भाई नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस आज के जो वीडियो होने वाले वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो पे बताने वाले हैं टॉप 10 लो एंड पीसी गेम फॉर 1GB रैम। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड का कोई नीड नहीं है। मैं पहली बता दूँ, अभी जितने भी गेम्स आपको मैं बताने वाला हूँ उन सभी का डाउनलोड लिंक आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा एंड वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला गेम है, उसका नाम है सैंस रो 2। ओके, गेम के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि वे गेम कैसे रहते हैं, तो फिर भी मैं इस गेम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। उसे डेवलप किया है वैल्यूएशन ने एंड दोस्तों उसे पब्लिश किया है THQ ने। सो गाइस इस गेम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सभी फील्ड के लिए उपलब्ध है, PC, Xbox, PlayStation सभी के लिए आता है। एंड ये गेम की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, एक ओपन वर्ल्ड गेम है। में आप मिशंस कंप्लीट कर सकते हो, कार चला सकते हो, घूम सकते हो, मतलब एक ओपन वर्ल्ड गेम है। ये नहीं कि आप मिशन कंप्लीट किया तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं, आप घूम फिर सकते हो। एंड इसके मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करना चाहता हूँ कि इसका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। एंड दोस्तों ये टेस्टेड है, यहाँ पर आपके पास रैम मिनिमम 1GB होना चाहिए। एंड ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड प्रोसेसर की बात करो दोस्तों तो यहाँ पर आपके पास इंटेल का डुअल कोर होना चाहिए। एंड मिनिमम स्पेस आपकी PC या लैपटॉप पे 15GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। एंड अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना है तो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। सेकंड गेम है, उसका नाम है जस्ट कॉस्ट। एंड दोस्तों जस्ट कॉस्ट का क्या कहना, गेम के बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम है पहली बात। एंड ये गेम रिलीज हुआ था आपका 22 सितंबर 2006 को। एंड इसे डेवलप किया गया है एवलांस स्टूडियो ग्रुप के द्वारा। एंड इसे पब्लिश किया गया आईड्रॉस इंटरएक्टिव के थ्रू। अभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है एंड्रॉइड को छोड़ के। आप इसे PS4, Xbox, PlayStation, PC किसी पे भी खेल सकते हो। एंड चलिए हम बात कर लेते हैं इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की। मेमोरी आपके पास मिनिमम 512 MB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड प्रोसेसर की बात करें तो Pentium 4 आपके पास होना चाहिए। एंड वेल गाइस यहाँ पर आपके पास स्पेस मिनिमम 7GB के आसपास खाली होना चाहिए, तो आपका गेम आराम से। एंड दोस्तों अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप मेरे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर, उसका नाम है माफिया 1 2002। आप इसे माफिया 1 बोल सकते हो क्योंकि ये माफिया गेम का सबसे पहला गेम था। माफिया सीरीज के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा, मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा। बट दोस्तों इस गेम को बहुत ही कम लोगों ने खेला होगा, क्योंकि इस गेम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं। दोस्तों इस गेम का नाम है माफिया एंड माफिया 2002। ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है एंड इसे आप ओपन वर्ल्ड भी बोल सकते हो। इसे दोस्तों से डेवलप किया गया एलिशन सॉफ्टवेयर के द्वारा एंड दोस्तों से पब्लिश किया गया गैदरिंग ऑफ डेवलपर। एंड दोस्तों ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 2, PC, Xbox सभी के लिए। एंड अगस्त 2002 को ये गेम रिलीज किया गया है। भी आपका मिशन वाला गेम है, इसमें भी आप आफ्टर मिशन आप पूरे सिटी में इधर उधर घूम सकते हो, मारपीट कर सकते हो, जो करना है करना है बस, ठीक है। एंड इस गेम का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है दोस्तों। एंड इस गेम का मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट अब थोड़ा रिवील कर देना चाहता हूँ। इसको चलाने के लिए आपके पास रैम मिनिमम 128 MB होना चाहिए एंड ग्राफिक कार्ड कोई नीड नहीं है दोस्तों। एंड प्रोसेसर की बात करो Pentium 3 में ये गेम आराम से चल जाएगा। एंड आपके पास मिनिमम हार्ड डिस्क इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए 4GB के आसपास होना चाहिए। एंड बस इतना ही सिस्टम रिक्वायरमेंट है एंड आप इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो। एंड वेल गाइस अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारा जो फोर्थ नंबर का गेम है, उसका नाम है स्कारफेस द वर्ल्ड इज योर्स। एंड गाइस ये भी एक एक्शन एडवेंचर एंड ओपन वर्ल्ड गेम है। गेम को रिलीज किया गया था 25th of July 2006 को एंड जो इस गेम के डेवलपर है वो रेडिकल एंटरप्राइजेज है। एंड दोस्तों इसे पब्लिश किया गया विवेंट गेम के थ्रू। एंड वेल गाइस ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए गेम उपलब्ध है एंड PC, PlayStation एंड Xbox सभी के लिए है। आफ्टर मिशन कंप्लीट करने के बाद इसमें भी आप घूम फिर सकते हो, आराम से कार चला सकते हो, मारपीट कर सकते हो, जो भी आप ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो आप सभी कर सकते हो। एंड चलिए इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो उसके पास कितना सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। रैम की बात करें तो 256 MB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड हो ना हो तो भी ठीक है, हो तो भी ठीक है। एंड प्रोसेसर की बात करो Pentium R4 में गेम आराम से आपका चल जाएगा। एंड दोस्तों आपके पास मिनिमम स्पेस 5GB के आसपास खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारा जो फिफ्थ नंबर वाला गेम है, प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विद इन। वेल गाइस ये भी एक बहुत ही एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम है। मैं इस गेम के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है, मतलब एक आपको इसमें लिमिट मिलता है, मतलब आपको मिशंस कंप्लीट करने लेते हैं, जैसे कि आप फाइट करते हो, मतलब एक वो पूरा वॉरियर टाइप का गेम है। तो वेल गाइस इस गेम को रिलीज किया गया
30 नवंबर 2004 को। इनको डेवलप किया है यूबीसॉफ्ट ने एंड इस गेम को पब्लिश किया है यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड वेल गाइस, ये गेम टोटली आपका फाइटिंग के ऊपर है, मतलब एक्शन एडवेंचर है पूरा, इसमें ओपन वर्ल्ड नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। बट अगर आप इस गेम को खेलते हो तो आपको यार बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप जैसे देख सकते हैं इसका ग्राफिक्स, एंड दोस्तों ये भी आपका लो एंड पीसी में आराम से चल जाएगा, इसमें भी आपका 1GB रैम नीड है। तो यहाँ पर मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात कर लेना चाहता हूँ कि इस गेम को रन करने के लिए आपके पास मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। की बात करो तो मिनिमम 512 MB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड कोई नीड नहीं है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो पेंटियम 2 में गेम आराम से चल जाएगा। एंड दोस्तों स्पेस की बात करो तो मिनिमम आपके पास 4GB स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। अगर आपको ये भी गेम डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते दोस्तों हमारे जो 6 नंबर वाला गेम Battlefield 2। एंड वेल गाइस, Battlefield 2 एक एक्शन एडवेंचर गेम है एंड शूटिंग गेम है, एंड इसमें आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। पर मैं गेम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। इस Battlefield 2 गेम आपका 21 जून को रिलीज किया गया था और एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है। इसमें आपको मिलिट्री सिमुलेटर मिलता है, इसमें आप सोल्जर के कैरेक्टर पे आते हैं, आपको फाइट करना रहता है ओपोनेंट से, एंड इसमें आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। वेल गाइस, इस गेम को डेवलप किया गया डिजिटल एलिशन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है इलेक्ट्रिक आर्ट। प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है पीसी, प्लेस्टेशन एंड एक्सबॉक्स, सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। गेम की मैं पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट बता दूं तो वेल गाइस, इसके पास आपके पास मिनिमम रैम मिनिमम 1GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 256 MB नीड है, जो कि हर एक कंप्यूटर में इतना तो रहता है यार। देखो, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है और आज के डेट पे कंप्यूटर लेते हो तो मिनिमम 1GB ग्राफिक कार्ड तो रहता है, बट 256 MB हर एक कंप्यूटर पर रहता है। तो आपके पास रैम ग्राफिक कार्ड 256 MB होना चाहिए। एंड प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 4GB आपके पीसी या लैपटॉप पे खाली होना चाहिए। अगर आप इसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 7th नंबर वाला गेम है, उसका नाम है GTA San Andreas। एंड इस गेम से तो आप बहुत ही अच्छा वाकिफ होंगे, तो फिर भी मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों इस गेम का नाम है GTA San Andreas, इसे रिलीज किया गया था आपका 26th of October 2004 को। डेवलप किया है दोस्तों रॉकस्टार ने एंड इसे पब्लिश भी किया है रॉकस्टार ने। गेम आपका एक्शन एडवेंचर एंड ओपन वर्ल्ड गेम है। इसमें भी आप मिशन कर सकते हो एंड आफ्टर मिशन आप पूरा सिटी में इधर उधर घूम सकते हो, मारपीट कर सकते हो, कार चला सकते हो, एयरप्लेन चला सकते हो, सभी काम कर सकते हो। इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास रैम मिनिमम 256 MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करो तो 64 MB होना चाहिए। एंड प्रोसेसर की बात करो तो यार पेंटियम 3 में गेम आराम से चल जाएगा। एंड अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो आपके पीसी या लैपटॉप पे 4GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। एंड अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन माई वेबसाइट, एंड वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे 8th नंबर गेम के ऊपर, जिसका नाम है मैक्स पेन। मैक्स पेन से आप बहुत ही अच्छा वाकिफ होंगे, मैक्स पेन 1 की बात कर रहा हूँ। सो वेल गाइस, जो मैक्स पेन 1 है वो थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है, जिसे डेवलप किया गया है रेमेडी इंटरप्राइजेस के थ्रू एंड दोस्तों पब्लिश किया गया है गैदरिंग ऑफ डेवलपमेंट के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम को रिलीज किया गया था 23rd of July 2001 को। एंड वेल गाइस, मैक्स पेन की सीरीज जो रहते हैं बहुत ही अमेजिंग रहते हैं। इसे आप बोल सक इसे आप कैटेगरी में डाल सकते हो एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग गेम में। दोस्तों ये ओपन वर्ल्ड गेम नहीं, इसमें आपको मिशंस मिलते हैं एंड आफ्टर मिशन आपको फिर से गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा, बट दोस्तों एक लो एंड पीसी में आराम से चल जाएगा। इस गेम को चलाने के लिए मिनिमम आपके पास 1GB रैम होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड का कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 3 में गेम आराम से चल जाएगा। एंड अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पीसी या लैपटॉप पे तो 4 या 5GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। एंड इस गेम का भी लिंक आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, एंड वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे 9th नंबर गेम के। 9th नंबर वाला गेम है, उसका नाम है बर्नआउट पैराडाइज। सो गाइस, इस गेम के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। बर्नआउट पैराडाइज एक ओपन वर्ल्ड कार रेसिंग वीडियो गेम है, जिसे डेवलप किया गया है क्रिएशन गेम के थ्रू एंड इसे पब्लिश किया गया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड ये गेम सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, पीसी, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स, सभी फील्ड के लिए उपलब्ध है। एंड इस गेम को रिलीज किया गया था दोस्तों 22 जनवरी 2008 को। एंड वेल गाइस, एक बहुत ही अच्छा गेम है, मतलब भाई कसम से बहुत ही अच्छा गेम। आप मत सोचना एक रेसी गेम है, आप जब इसे अपने लो एंड पीसी में खेलोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो रिवील कर देना चाहता हूँ। तो रैम आपके पास मिनिमम 1GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड की बात करें तो कोई नीड नहीं है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो इंटेल पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। अगर इस गेम को आपको डाउनलोड करना है और अपने पीसी में इंस्टॉल करना है तो मिनिमम स्पेस 5GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। एंड अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, एंड वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
बढ़ते दोस्तों हमारे लास्ट गेम पर, 10th नंबर वाला गेम। 10th नंबर वाला गेम है, उसका नाम है पेडे द हाइस्ट। एंड वेल गाइस, ये भी एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है। एंड यार बहुत ही अमेजिंग गेम है, मतलब यार कसम से बहुत ही अमेजिंग गेम है। मतलब इस गेम के बारे में क्या कहूँ। तो वेल गाइस, पेडे द हाइस्ट एक कोऑपरेटिव वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है ओवरकिल सॉफ्टवेयर के द्वारा। एंड इसे पब्लिश किया गया था डे ब्रेक गेम कंपनी के थ्रू। एंड वेल गाइस, ये गेम रिलीज किया गया था 18 अक्टूबर 2011 को। इस गेम सभी फील्ड के लिए उपलब्ध है, पीसी, एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन सभी के लिए उपलब्ध है। सो गाइज, इस गेम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम मिलता है, यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने पड़ते हैं, बट ये ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है। एंड इसमें आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की थोड़ा बात कर लेते हैं कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। रैम की बात करें तो 1GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड की कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो यार P4 Pentium 4 में गेम आराम से चल जाएगा। एंड बाकी बस इतना ही। एंड इस गेम को भी डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही कुछ 10 गेम थे, पीसी गेम थे आपके 1GB रैम के लिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है। एंड दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड हाँ दोस्तों, कमेंट में बताना कि इन 10 में से आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा लगा, सबसे अच्छा गेम आपको कौन सा है, एंड आपका कौन सा फेवरेट गेम है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करना, क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।